और काफी लोगों के सवाल हैं कि मैंने ये कार क्यों ली और अगर मैं SUV 700 ना लेता तो क्या लेता। एक रीजन तो मेरा ये था लेने का, चुनर जब मैंने लेने का प्लान बनाया तो मुझे ना उसमें मकड़ो एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। टाइम सुबह के 9 बज चुके हैं, वीडियो एडिट करके पार्क में आ गया हूँ और आजकल ना मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक तो सुबह 9 बजे जो अपना डेली व्लॉग आता है जो आप देख रहे हैं और एक डाल रहा हूँ मैं शाम को 7 बजे जो कि मैं अपनी SUV 700 से रिलेटेड डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट्स उसके बारे में आ रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरी आती है तो मैंने सोचा उस बारे में वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो दिन में 2 आएंगी तो अगर आपको उसके बारे में जानना हो वो देख लीजिएगा, वरना ये तो है ही। काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि मैंने ये कार क्यों ली या इतना पैसा क्यों खर्च किया या इसकी जगह क्या लेते कौन सा, तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा लेकिन अपने डेली रूटीन के साथ, मतलब डेली जो जो करते हैं उस बीच बीच में आपको सवालों के आंसर देते रहेंगे। बाकी उसका एक एग्जांपल एक फीचर्स आपको अभी बता देता हूं। एलेक्सा प्ले म्यूजिक। हियर्स हंगामा म्यूजिक। एलेक्सा स्टॉप म्यूजिक। तो ये फीचर्स हैं जो मुझे इसमें अच्छे लगे, बाकी धीरे धीरे बताते रहेंगे क्यों हमने ये कार ली और मुझे तो ये फुल पैसा वसूल कार लगी। राम राम राम, क्या हाल चाल? आशीर्वाद दे रहे हो? चलें फिर कार में, ज्यादा हो रहा है, सर्दी हो रही है, एक दो दिन धूप आ जा थोड़ी। हाँ भाई, बच्चा वाटी क्या हो रहा है? ये तो सो ही रहा है, उठ के सोया है या सो ही रहा है? रात का सोया हुआ है? शायद उठ। और ये क्या देख रहा है? गेम। ये देखो विहान कितना बड़ा हो गया, एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया विहान, है? एक दिन पहले तो छोटा सा था। विहान का बेटा है। ये विहान नहीं है, ये लव शिव है, लव शिव। विहान आ गया, विहान विहान के पास चलेगा। राधे राधे, देखो राधे राधे कर रहा है। राधे 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 राधे, राम राम करो, राम 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 भाई सबको, राम राम। लव शिव प्यारी कर दो, प्यारी प्यारी चाचा को प्यारी कर दो, चाचा छोटे हैं तुम्हारे। हाँ टोपा उतार दिया। अंश की बात सही होने वाली है कि दोनों ये लड़ाई करेंगे, दोनों भाई जा, दोनों भाई। अब उसको बैठना नहीं है, उसको तो लड़ना है, वो तो देख रहा है ध्यान से। वो डर गया, वियान डर गया, डर गया वियान उससे, डर गया। ध्यान ध्यान से देख रहा है उसको। आगे, आगे, आगे। वो हंस रहा है। क्या हुआ? इसे हटा दूं, इसे हटा दूं। हटाओ हटाओ उसको, मतलब वो देख रहा है अब तक तो मैं ही था, ये नया कौन आ गया। और अभी मैं जा रहा हूँ तरन के पास, तरन ने ना अपनी फॉर्चूनर में PPF कराई है तो मुझे वो देखना है क्योंकि उसने जो PPF कराई है ब्लैक PPF है, ये न्यू आई है तो उससे कार का कलर उसका ना ब्लैक दिख रहा है और शाइन कर रहा है, लेकिन उसकी कार का कलर पहले भी ब्लैक ही था तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि डार्क ब्लू पे, मतलब जो ये मेरा कलर है इस पर कैसी लगेगी ब्लैक। तो एक बार पहले उसकी PPF देख लेता हूँ तो उसका रिजल्ट से मुझे पता चल जाएगा मुझे वो करानी है नॉर्मल करानी है या जहाँ से उसने कराई है वहां से कराऊँ या कहीं और से। और अगर मैं SUV 700 ना लेता तो क्या लेता, ये लेता या अभी तरन आ रहा है फॉर्चूनर में वो लेता। वैसे मैं बताऊं मैंने डिसाइड किया हुआ था, मतलब ये आने से पहले, कि मेरे को लेनी है फॉर्चूनर और या मर्सिडीज। फॉर्चूनर ना लेने का रीजन ये था कि उसमें बिल्कुल भी फीचर्स नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको रो मिलती है एक तरीके से, कुछ ज्यादा खास फीचर्स उसमें है नहीं, लेकिन मर्सिडीज में काफी फीचर्स थे। और फॉर्चूनर अभी ऑन रोड लेजेंडर अराउंड 48-50 लाख तक जाती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 50 लाख खर्च कर रहे हो तो 5-10 लाख और खर्च करके आपको मर्सिडीज मिलती है जिसमें फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, इतने नहीं मिलते जितने इसमें, लेकिन हाँ ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। एक रीजन तो मेरा ये था लेने का क्योंकि मैं एक साल से सोच रहा था चेंज करूं कार, रिसर्च भी कर रहा था जिसमें मैंने फॉर्चूनर पहले डिसाइड की, फिर फीचर के हिसाब मर्सिडीज डिसाइड की और फिर जब ये आई और मैंने देखा कि भाई इतने सही बजट में इतने फीचर्स के साथ कार आ रही है तो फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया और जिस दिन लॉन्च हुई मतलब फर्स्ट डे ही मैंने बुक करा दिया, इसलिए मुझे जल्दी मिल भी गई डीजल कार। और ये रही तरन की फॉर्चूनर, उसने भी अभी नई ली है, अभी नंबर प्लेट भी नहीं आई है लेकिन इसने PPF करा लिया। हाँ जी, क्या हाल है, क्या करा रहे हो? एक्सेसरीज का रेट ले रहा हूं। ब्लैक में आग गंदा तो जल्दी होता है। कितने दिन के लिए ली थी कार उसने? 2 दिन में। ये जो PPF है वो वाली है जो ट्रांसपेरेंट वाली या ब्लैक वाली है? अभी आई है। ग्लोज ज्यादा आ रहा है ना। कैसी लगा तुम्हें इसका एक्सपीरियंस? ऊपर नहीं करी, ये लग नहीं रहा कहीं कहीं जैसे रह गए हो, हर जगह हुआ है नहीं, मतलब बबल रह गए हो।
वैसे मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ठीक पकड़ बन जाएगी। और एक फॉर्चूनर और बुला लिया है मैंने, क्योंकि आज मैं इन तीनों कार का कंपेयर करने वाला हूँ, फॉर्चूनर, फॉर्चूनर और अपनी कार। लेकिन उस वीडियो को मैं अलग डालूं। बैक टू होम। और यहाँ ना मैं टेरिस पे ये घास लेकर आया हूँ। ये घास मुझे ना पूरा यहाँ पर लगानी है, क्योंकि ना अभी सर्दी हो रही है, तो ये घास वास लगा के टेबल ये मेरे पास पहले से है, इस टेबल पे, इन चेयर पे आराम से बैठकर धूप में एंजॉय करेंगे। और सुना है कि लॉकडाउन भी लगने वाला है जल्दी, तो आराम से इधर बैठेंगे, इसलिए हमारा थोड़ा सा जो प्लान है ना वो भी डिले हो रहा है। तो हम फैमिली ट्रिप पर जाने वाले बोस्की मेरे से कम मिल पा रही है, क्योंकि व्यान आ गया है और ऊपर से बच्चे भी आए हुए हैं, तो ये इस वाले फ्लोर पर रहती है ना, ये नीचे वाले फ्लोर पर जाती ना ऊपर वाले पर, है ना। हाँ, ये हमारा सबसे शरारती और सबसे अच्छा बच्चा है। क्या चाहिए? रिलैक्स रिलैक्स बाबू रिलैक्स। चलिए अब मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, और फिर मुझे काम भी है, बाहर जाना है, तो पहले इसके साथ खेल लेते हैं ना। और अभी जो टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं शाम को, अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर को लेने। लेकिन हमने SUV 700 क्यों ली ये बता देते हैं इतने आपको रास्ते में, बता भाई क्यों ली हमने? फीचर्स जो इसमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं है अभी तक, और जो लुक है इसकी। तो चलिए मैं बताता हूँ मैंने क्यों ली। वैसे मैं ले रहा था फॉर्चूनर, और फॉर्चूनर जब मैंने लेने का प्लान बनाया तो मुझे ना उसमें फीचर्स बहुत कम लगे, और एक ना अंदर से रो लगी, बाहर से रुक अच्छी है लेकिन अंदर से ना बहुत कम फीचर्स, और कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो मैंने मर्सिडीज़ का प्लान बनाया, पहले वो था, फिर मर्सिडीज़ हुआ, क्योंकि फॉर्चूनर 45-46 लाख की थी, मर्सिडीज़ 60 लाख में ठीक ठाक मॉडल मिल रहा था, उसमें भी फीचर्स इतने नहीं थे लेकिन हाँ अच्छा था। और फाइनल सा मेरा हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे इस कार का पता चला कि एक कार है लॉन्च हो रही है और उसमें इतने फीचर्स ऐसे हैं, फिर यूट्यूब पर इसकी वीडियो आने लगी। महिंद्रा ने ये लॉन्च नहीं की थी लेकिन वीडियो आ गई थी पहले ही, तो मेरा और मन आ गया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं इसी को लूंगा। फिर मैंने वेट किया, तो उस टाइम में जो वेटिंग पीरियड था, इसका फर्स्ट डे बुकिंग करनी थी, उससे पहले का जो वेटिंग पीरियड था उसमें मेरा और मन, जो क्योंकि मैं वीडियोस देखता रहा तो पता चलता रहा कि इतने फीचर हैं, इतना सब कुछ है, तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई कार यही लेनी है। और मेरे को इतना पता चल गया था थार नहीं मिली तो ये भी नहीं मिलेगी, तो मैंने ये सोच लिया था जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन मैं इसको बुक कर दूंगा। और ये जिस दिन लॉन्च हुई ना इसकी, मतलब जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हुई उस दिन, उससे एक दिन पहले हम राजस्थान से आ रहे थे, तो मैंने इसलिए पहले आए कि अगले दिन जाकर सुबह मैं इसकी बुकिंग करा दूं। मैंने अनमोल को भी बोला था कि करा लो अच्छी कार है, उस टाइम उसने मना किया था, लेकिन मैंने आते ही बुक करा ली, और उसी वजह से मुझे डीजल की इतनी जल्दी कार मिल गई, और इसी वजह से मैंने ली, नहीं तो मैं शायद दूसरी कार ले रहा होता, शायद अभी आई होती तो मैं पछता भी रहा होता कि मैंने इतने पैसे लगाए और वो फीचर वो सब कुछ मुझे मिल भी नहीं रहा है। फिर अभी जब हम नेपाल गए थे, फिर मैंने अनमोल को बोला कि भाई बुक करा ले बढ़िया कार है, तो उसने डिसाइड किया कि चलो जाकर कराता हूँ, तो उसने नेपाल से आने के बाद फिर बुक कराया। और उस टाइम पे शायद मेरी थार भी बुक कर रखी थी। थार मैंने पिछली बार बुक कराई थी, कैंसिल तो पहले ही करा दी थी ना, क्योंकि एक साल की वेटिंग थी उसमें, और उसी से मेरे को सबक मिल गया था भाई पहले दिन कराने कराओ, नहीं तो फिर वेटिंग लंबी गई। इसकी थार से भी लंबी वेटिंग होगी, अब 2 साल की वेटिंग हो गई है इसकी। हां जो बुक करा रहे हैं 2023 में, 2023 तो उनको मिल रही है जिन्होंने 2 महीने पहले कराई थी, और जो अब करा रहा है, जब मेरी इसकी डिलीवरी बता रहे 2024 में मिलेगी डीजल कार। मेरी रिक्वायरमेंट ही ये थी, एक 7-सीटर चाहिए, दूसरा डीजल चाहिए, तो मैं इसी रेंज में मैंने फॉर्चूनर देखी, फिर मर्सिडीज देखी, और फिर आ ये गई। लेकिन अच्छा है, मैं इसे 1-2 साल चला सकता हूँ, इसके मजे ले सकता हूँ, और इसको बेच के फिर अपग्रेड कर सकता हूँ, उसका एक अलग मजा आएगा। लेकिन अभी मैंने मर्सिडीज और वो ले ली होती फिर तो मुझे 5-6 साल रखनी पड़ती, अपग्रेड भी नहीं कर पाता, और दूसरी कार के मजे फिर कहाँ से आते। Talk to me nice, talk to me honestly, look in my eyes. Don't let it. तो ये वाली गाड़ी बहुत बेहतर है फॉर्च्यूनर से, तो उसमें जरा सा बैठो इधर उधर जरा सी लहराई वो पूरी एकदम पूरा इंसान कांप जाता है उसमें पूरा, ना उसमें सनरूफ, और जो सबसे लास्ट वाली सीट है उसमें बिल्कुल बीच बीच के बैठना पड़ता है, उसमें 3 जन आराम से कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं। हमारा इधर आ, इधर आ, इधर आ, चल गया बस, आ जा आ जा आ जा, नहीं कर रहा नहीं करेगा। क्या कर रहे हो आप? ये मैं चाय बना रही हूँ आपके लिए। अच्छा, आप गेस्ट के लिए चाय बना रहे हो? आप गेस्ट थोड़ी, आप तो मेरे मामू। दूध वाली चाय बनाना है? चाय कड़क, मेरी कड़क थोड़ा कड़क करके। आपकी चाय तो आई नहीं यहाँ पे, दूध चाय मम्मा की आ गई, आपकी तो चाय नहीं पीती। अरे आप मतलब आपने तो बना के दी नहीं अभी तक चाय मुझे। अच्छा सॉरी, ये बना कर दे दी, ये रही मेरी। तो दो इसमें क्या है? एक में पानी एक में चाय। अब क्या बना रही है हमारा? सैलेड। सैलेड, सैलेड भी खिलाओगे? हाँ जी। और किस पर जाओगे आज आप घर? अपने प्यारे मामू के घर।
जाओगे किस पर? आप पर। नहीं कार में, कौन सी? कौन सी कार? वाली कार में। उसने कैसे जाओगे? उसमें कैसे जाओगे? मैं उसमें चली जाऊं। सनरूफ से है ना? हाँ जी। चले फिर। चलो रेडियो जल्दी से माइलर की बाइक। हेलो। गाने भी चलते हैं इसमें। वाह, हमारे पे तो दो दो साइकिल हैं। एक साइकिल है, एक बाइक है ना? हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बेटा अभी तो निकले हैं, अभी पहुंचेंगे, एक घंटा लगेगा। आपको आने में भी एक घंटा लगा था? हाँ मैं लेट आया था, मुझसे गलती हो गई है महाराज, मैं लेट हो गया। आपने बहुत वेट किया ना मेरा। मैं तो कब परसों से ही अच्छा एक्साइटेड थे जाने के लिए, एक्साइटेड थे। मैं कार के लिए एक्साइटेड था इसलिए मैं कार चलाया जा रहा था, आपको लेने नहीं आ पाया। अब आप बताओ कार कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? हाँ जी। क्या अच्छा लग रहा है सबसे? ये हाँ जी। ओपन करना है ये? हाँ जी। बोल दो। बोलो। मुझे नहीं पता इसका नाम। अलेक्सा ओपन सनरूफ। हो गया ओपन। हो गया मेरा बेटा, ऐसे का नाम नहीं लेते, बोले अलेक्सा आंटी। नानू से तो मिल लो। जी नमस्ते जी। हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नीचे इतने ज्यादा बच्चे हो गए और इतना ज्यादा शोर हो रहा है, दोनों दीदी के, भैया के और मेरा विहान, तो काफी शोर शराबा हो रहा था तो मैं ऊपर आ गया। और टाइम भी 10:30 हो गया तो अब जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि पूरे दिन कार चलाई, ड्राइव किया तो काफी थक गया हूं। और कल इस वीडियो को एडिट सुबह जल्दी करके इसको अपलोड कर दूंगा। और वीडियो 2 आ रही है तो रोज सुबह शाम दोनों पे प्यार देते रहना इसी तरह। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देख, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।